सब्सक्राइब कीजिए चैलेंजिंग लाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपको सुबह सुबह मैंने अपने छत पे लेके आया हूँ। आप सोच रहे हैं कि मैं छत पे कर क्या आ रहा हूँ, तो अभी आपको उसके बारे में थोड़ा देर के बाद बताता हूँ कि छत में क्या करने आया हूँ। तो पहले आपको मैं अपना छत पूरा घुमा देता हूँ कि किस तरह का मेरा छत है अपने घर का। आइए देखते हैं। तो ये वाला जो है थोड़ा देख सकते हैं, लंबा वाला एरिया है, ठीक है ना। यहाँ से हम यहीं से हमारा यहीं से, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं पूरा का पूरा छत कैसा है। ये देखिए ये मेरे का फ्रंट है, ठीक है ना। ये मेरे का फ्रंट है, ये थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह और सबसे वाला जगह, ठीक है ना। तो सुबह का भी बज रहे हैं 8:17 सुबह सुबह। आज मैं अपना ब्लॉग, अपना मेरा चैनल सबसे पहला ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये ब्लॉग में क्या है क्या नहीं है आप पूरे का पूरा देखते जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ, सुबह सुबह छत पर आपके साथ क्या लाइट मनाएंगे, आपके पास आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ये है कि दिवाली का मौसम है, दिवाली बहुत सामने है, सब अपने अपने घर को सजा रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं। तो वैसे उसी तरह से मेरा भी अपना घर को सजाने का बहुत शौक रहता है। तो क्या होता है कि हम जो लाइटिंग होता है सिर्फ अपने घर में करते हैं, तो मैं भी लाइटिंग करता हूँ। पटाखा नहीं फोड़ता हूँ, क्योंकि यार पटाखा में फालतू फालतू का पैसा जाता है, ऊपर से पॉल्यूशन तो वो अलग सा है। तो यार हम तो इतना छोटे वाले बच्चे तो है नहीं, और छोटे वाले हम करेंगे नहीं। तो क्या होता है कि उसी घर को डेकोरेट करते हैं। इलेक्ट्रिशियन को हमने बुलाया था, पर उनका थोड़ा सा टाइम का कंफ्यूजिंग है। वो बोले थे कि शनि या रविवार के बाद या उस दिन शनि या रविवार के भीतर में वो आएंगे। तो मैंने सोचा कि यार मंगलवार या बुधवार को तो दिवाली है, तो कितना दिन ये लाइट चलेगा। तो मैंने उसका जिम्मा खुद उठा लिया है। तो हम अपनी जो खुद करेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वही आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि ये जो चीज़ें हैं करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी है, कैसा लगता है। तो हम पहले आपको ये दिखाना चाहते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट मैंने एक एक्सटेंशन कॉर्ड लाया है, जो कि ये तार यहाँ से जाकर भीतर में जाकर हम इसको इधर लगाने वाले हैं, इधर इस बोर्ड में, जिससे कि हम क्या करेंगे जो मेरे जो वो बल्ब जो है जो लाइटिंग है उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके मतलब आप इसको तो समझ ही चुके होंगे कि ये किस लिए मैंने लाया है। ये जो कटे हुए तार है उसको जोड़ने के लिए माचिस एक है, एक है मोमबत्ती है। ये दोनों चीज़ मैंने किस लिए लाया हूँ वो भी हमको बताते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, जो हमारे जो लाइटिंग करने वाले जो तार होते हैं ना, बहुत पतली पतली होती है, तो उसको हाथ से या ब्लेड से आप काट नहीं पाएंगे। तो उसको कहते हैं हल्का सा गर्म कर लेते हैं, वो आग से हम गर्म कर लेते हैं और उसको दोनों अंगुल से हम उसको 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 चिपक कर उसको खींच लेते हैं तो वो निकल जाता है। तो हम उसको भी हमको दिखा देंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। और ये एक एडजस्टर, इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ पर लाइन आ रही है कहाँ पर नहीं आ रही है, तो ये देखना जरूरी है। और मैंने दो चप्पल पहन के रखे हैं, देखिए अच्छी तरह से हमको दिखा देते हैं। चप्पल का क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दिवाली के लिए वो है टन टन, ये है मेरा इतना सारा लाइट है। इसको हम अकेले ही लगाएंगे, देखेंगे किस तरह से हम लगाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो अभी तो इतना है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा दिया हूँ कि मैंने क्या क्या लगाने वाला हूँ। मैं अपने घर में इतना लाइटिंग जो है वह पूरा का पूरा लगाने का थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम सुबह सुबह आ गए हैं। और धूप तो है, पर धूप का उतना जो तेज है उतना नहीं है, पर ये जितना दिन बढ़ेगा तेज भी बढ़ता जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं, हम उस काम को शुरू करने हम इस काम को शुरू करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम जो करना चाहते हैं वो आपको दिखा देते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। पहले तो है अपने आपको रिचार्ज या रिन्यूज करना है, क्योंकि सुबह से हम चाय पिए हैं, थोड़ा सा बिस्किट विस्किट लिए हैं और थोड़ा सा इधर उधर खाना भी नहीं खाए, वो ऐसा खाने टाइप का ही है पर खाना नहीं खाए। तो अपने आपको रिचार्ज करने के लिए पहले हम कुछ दो तीन कुछ खाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं वो भी हम आपको शेयर करें। वेट, सो एप्पल मैं क्यों खाता हूँ, एप्पल मतलब मैं कहीं पर सुना है कि एप्पल खाने से शायद आपका सेहत बहुत अच्छा रहता है, बीमारी सब दूर रहेंगे, तो मैं इसलिए एप्पल खाता हूँ। पहले हम एप्पल खा लेते हैं, उसके बाद अपने को रिव्यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम काम में लेंगे। तो पहले एप्पल को खा लेते हैं, उसके बाद है बनाना, जिससे आपको फुल ऑन एनर्जी फुल ऑन एनर्जी उसको मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। बहुत मीठा,
आइए चलिए हम शुरू करते हैं। खाना पीना कंप्लीट, एनर्जी मैंने गेन कर चुका हूँ। कम से कम 1 से 2 घंटा तो मन मुझको ये वाला लगाने में लगेगा ही लगेगा। धूप भी तेज हो रहा है, गर्मी भी लगेगी, तो जितना जल्दी हो सके हम उसको काम को खत्म करके नीचे चलते हैं, नहीं तो हो जाएगा। ओके चलिए आइए देखिए। तो काम शुरू करने से पहले पहले हमको इसको कनेक्शन करना पड़ेगा भीतर से। भीतर का जो बोर्ड है हम वहाँ से कनेक्शन कर देते हैं। सो दोस्तों पर दिख रहा होगा कि ये जल रहा है, ठीक है ना। अभी सुबह का समय है, इस तरफ नहीं लग रहा है, देखिए जल रहा है। फिर इसके बंद कीजिए, फिर जला है, ये जल रहा है, मतलब करंट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपसे पहले ये कह देता हूँ कि आप पहले तो जान लीजिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं आप अपने गाइडेंस में रह के कीजिएगा। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी को आप सब हर एकदम आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि सेफ्टी के ऊपर कुछ होता नहीं है। आप यदि हो सके तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिएगा। मैंने भी बुलाया था पर उनका थोड़ा सा समय का डिले हो रहा था, इसलिए मैंने कर रहा हूँ, पर फुल एंड फुल सेफ्टी के साथ। पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सेफ्टी फर्स्ट। और जो जो 18 या 20 से जो नीचे है प्लीज़ आप उसको ट्राई मत कीजिए होम में। अकेला तो नहीं, आपके जो बड़े हैं उनके साथ आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अकेला मत कीजिए। तो ये जो सारी जो सेफ्टी जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका लाइफ इस देश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं, बस शुरू करते हैं। मैं इससे ये वाली बहुत पुरानी हो गई है, देखते हैं ये जलता भी है कि नहीं, क्योंकि हर साल मेरा कुछ ना कुछ तो जाता ही है। नहीं ये नहीं जलेगा, क्योंकि ये तो इसका ये वाला है ही नहीं, एक तार ही है, दूसरा वाला तार है नहीं। तो ये इस साल के लिए कैंसिल, ठीक है। 2-3 साल चल जाता है, काफ़ी है 2-3 साल चलना। इसको हम नीचे रख देते हैं, ये बहुत पुरानी है, ये वाला जो देख रहे हो ये बहुत पुरानी है। यदि ये इस बार चल गया तो यार बल्ले बल्ले, यदि नहीं चलता है तभी बल्ले बल्ले, क्योंकि इसका जो सर्विस है वो अपना पूरा दे चुका है। पर ये नहीं चलेगा, देखिए इसका जो तार है आप देख ही रहे हैं, इसका टूट फूट गया है। तब भी एक बार हम अब देख ही रहे होंगे कि इसका जो तार है, देखिए ये वाला जो तार है दिख रहा है, और दूसरे दिखाते हैं ये जो तार है दिख रहा है, और ये बीच से ये वाला ना कहीं से खुल गया होगा या कट गया होगा। तो अब इसको लगाना डेंजर होगा, तो हमको इसको कैंसिल करना है। कैंसिल ये वाला भी बहुत पुराना हो चुका है। तो एक काम करते हैं, जितने भी पुराने वाले हैं उसको हम बाद में चेक करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें वो गड़बड़ी होगा जिससे आप करंट भी खा सकते हैं। तो पहले हम इसको साइड में रखते हैं, जो अच्छे वाले हैं हम उसको उससे हम पहले काम चलाते हैं, ठीक है ना। उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको लगाते हैं, उसके बाद यदि बचता है देखते हैं यार कहीं एडजस्ट करना है तो कर लेंगे, यदि नहीं करना है तो छोड़ देंगे, नया वाला नया कुछ खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसको हम साइड में करते हैं। देखिए ये वाला आपको दिखने भी लग रहा होगा सही सलामत है, तो उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले आपको जरूरी है स्विच ऑफ कर लीजिए, ओके। देखिए इसको जो आप लगा रहे हैं ना, देखिए देखिए ये वाला निकला हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको ना बहुत धीरे आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपका सेफ्टी सबसे पहला है। जल गया, हो मतलब ये ओके है, इसको हम लगा सकते हैं। तो इसको हम ओके करके हम इसको साइड में हम देखते हैं। Thank you.
एक मेरा गिर गया है बाई चांस, बस मैं यहीं से दिखाता हूँ क्योंकि पहले एक ही लग चुका है, ठीक है ना, फिर इधर लगाएं, इसमें से लगाएं कि जो पेड़ है वो दिखता नहीं, तो मैंने इधर एक लगाया है, इधर एक लगाया है, इधर एक लगाया है। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी इंडिया है, ठीक है ना, इस बार नहीं, पिछले साल से मैं इसलिए करता हूँ कि मेरी इंडिया वाले हम लगाएंगे, आप भी वही कीजिए, मेरी इंडिया वाले आप लगाएँ, जो हमारे इंडिया वाले चीज हैं वो तो फर्स्ट वो भी अपना मेहनत लगाते हैं, उनका मेहनत को तो रंग आना चाहिए, आपको करना चाहिए, ठीक है ना, ये एक है और इसमें इसका क्वालिटी भी अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है, मेडी नहीं है, इसमें भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है और दाम भी उतना सस्ता ही है, ज़्यादा कोई दाम में फर्क नहीं है। चलिए देखिए, अब इधर भी लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक है, इधर एक है, इधर एक है, ठीक है ना, इधर हम लगाए हैं, इधर 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 से होते हुए, इधर से होते हुए ऊपर में अभी तक एक लगा है, आप देख सकते हैं, ये वाला एक ही लगा है और एक नीचे गिर चुका है, आप शायद हमको जूम करके दिखा देते हैं, नीचे गिर गया है, वो देखिए दिख रहा है, ये वाला गिर चुका है, वो हम नीचे से लाएंगे और चार पांच तो खरीदना पड़ेगा, तो उसको लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, सो दोस्तों अभी दोपहर का वक्त हो चुका है, दोपहर का टाइम हो रहा है, रुकिए हम देख के बताते हैं, 4:08 बाकी है, 4 बजने वाले हैं, मैंने उस समय आपको दिखाया था कि कुछ लाइट शॉर्टेज हो गई थी, तो मैंने उसको वजह से फिर खरीद के लाए हैं, तो अब उसका जो पीछे वाला जो काम है, जो पीछे में हमको अभी करना बाकी है, उसको हम करेंगे फर्स्ट, ओके, और पीछे मतलब ऊपर में जो आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखा, ओके दोस्तों देखिए उधर का जो है, उधर में एक ही टू लगाए हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 या 4 या 5 यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लगेंगे इधर, ठीक है, इधर से आएंगे और इधर जाके फिनिश होगा, इधर जाके फिनिश होगा, ओके दोस्तों ये 5 मैंने अभी खरीद के लाए हैं बाजार से, 5 ये जो ऊपर से नीचे गिर गया, ये जो ऊपर से नीचे गिर गया था, तो फिलहाल हम इसको टेस्ट कर लिए हैं, सही है, 5 का 5 टेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पर 4 है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर है 5, 6, 4, 10, ओके 10 है, और इधर 3 है, 3 तो है, यहाँ पर 3 है, तो हमारे पास 13 है, यहाँ पर कुछ लगाने वाले हैं इस साइड, ठीक है ना, क्योंकि हम उस कोना से शुरू किए थे, आपको सुबह के लिए देखे होंगे, तो वो सुबह को वहाँ पर शुरू किए थे, तो यहाँ पर भी 3-4 ठो दे देंगे, इससे क्या होता है कि यह बढ़िया लगेगा, एक्चुअली यहाँ पर देखिए पेड़ है, तब भी एक्चुअली होता है वो जब सज रहा है तो अच्छी तरह से सज जाए, यदि नहीं भी लगाते हो तो चल जाएगा, तब भी 1 या 2 हम लगा देंगे इसको, ठीक है ना, तो ये इधर वाली इधर का तो मेरा ख़त्म हो गया है, इधर पहले हम देते थे, शायद इस साल शायद नहीं होने नहीं होगा, क्योंकि उतना है नहीं मेरे पास, और एक्चुअली हम देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दूर से अच्छा लगता है पर उतना भी नहीं लगता, ठीक है अभी के लिए, ओके आपसे मैंने ये वाला कहा था कि देखिए हम मोमबत्ती और माचिस किस लिए लाए थे, तो ये जो तार है हम इसको, ये जो बीच से है आप देख सकते हैं, ये बीच वाले जो पोर्शन है, हम इस पोर्शन को हल्का सा गर्म करेंगे और इसको हल्का सा खींच के इतनी सी जगह को हम वायर को निकालेंगे, इसी तरह इसको भी हम निकालेंगे, इससे क्या होता है लगाने में ना सुविधा होती है, देखिए ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर, तो पहले हम मोमबत्ती या डिसलाइन माचिस हम लाते हैं, उसके हमको आपको करके दिखाते हैं, तो हम आपको जो दिखाने वाले थे जो मोम से, ये हम किस तरह से हम अपना काम करते हैं, हम उसको बारे में बताने वाले थे, आपको सुबह को बताया था कि मोम और माचिस हम किस लिए लाए थे, तो अभी उसका काम पर गया है, क्योंकि लाए वाले जो लाए हैं उसमें उस तरह का निकला हुआ नहीं है, तो देखिए पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो आप तार देख रहे हैं, ये बीच से हम हल्का सा इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसको खींच देंगे, जो बीच का ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन का जो तार है ये हल्का सा निकल के आ जाएगा, सेम इसका भी करेंगे, आइए हम दिखाते हैं, ये बुझ गया है, छत पे हवा ज़्यादा है, बुझना तो है ही है,
फिर से हम जलाते हैं, फिर से हम देखते हैं इसको होता है कि नहीं। ठीक है, हवा यार, हवा 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 हवा, इतना मत दे, इतना मत दे। चलिए अभी मैं अपना काम कर लेता हूँ, हवा तो रहेगा ही रहेगा रात जब तक नहीं होगा। ठीक है भाई, गर्म हो जा, 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 गर्म हो गया भाई। देखिए दिख रहा है, निकल गया है। बस अब इसको क्या है, इसको मोड़ के हम इसको इसको घुमा देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सबका सब इसका भी ये कर देंगे, सबका सब कर देंगे। फिर से बुझ गया, तो इसका हो गया है, ये हो गया है। आपको पहले बता देते हैं, सारी की सारी मेड इन इंडिया है, अच्छी वाली क्वालिटी है। दो तीन साल, तीन साल चल जाता है, 70 की आती है, काफ़ी है। 3 साल चल जाना है तो भाई काफ़ी होती है। उसके बाद नए नए भी बहुत सारे आ जाते हैं मार्केट में, उससे मतलब दूसरा सब अच्छा वाला रहता है। आपको वाला नहीं दीजिएगा, 3 साल जाना मतलब दोस्तों। तो ऊपर का जो कनेक्शन है मैंने कर दिया है, ऊपर का जितना भी हम लगाए थे उसको कनेक्शन कर दिया है। उस साइड जो पीछे वाला जो आपका आपका साइड है उसको भी हम लगा देते हैं, उसका सारे का सारा कनेक्शन करके उसके बाद सब जानता है तो सही है। सो गाइस, इधर का मैंने अपना कंप्लीट कर चुका हूँ, बाकी उधर का 3 बचा है, शायद 3 बचा होगा, तो 3 का जो वहाँ पर है हम उधर उधर लगा देते हैं, बाकी कनेक्शन करके चेक कर देंगे। टाइम हो रहा है 4:30-5 बजे से पहले हमको उसको कंप्लीट करके लाइट जलाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग बाकी है। रात होने से पहले मतलब सूरज को ढलने से पहले हमको अंधेरे में काम नहीं करना है, जब तक लाइट है उसमें हमको काम करना है। इससे क्या होता है कि अपना सेफ्टी बनाए रखेंगे और जो भी चीज़ें हम अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सा प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उसके लिए पहले तो हमको उधर वाला उधर का जो पिन बाकी है शायद, आइए देख लेते हैं। ये 3 अभी बाकी है, ठीक है ना, और ये 3 हम सोच रहे हैं कि इधर हम लगा दें। सो दोस्तों, पहले तो आपको कह देते हैं कि एक्चुअली 3 नहीं 6 बचा हुआ है, और इससे क्या है कि बहुत सारा बड़े बड़े पौधे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ट्री है, जिसका जिसमें क्या होता है कि जो पंछी है वो आके बैठते हैं और उसको हम जो तार निकाल लेते हैं। पिछले साल जो एक ही प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिला था, क्या होता है कि उसमें टोकर मार मार के उसको तोड़ देता है। तो मैंने अभी सोचा है कि यार उधर नहीं लगाते हैं, उससे भी इतना पेड़ है तो पेड़ के कारण लाइट इतना खुलती नहीं है, ऊपर से वो लाइट बिगड़ जाती है, जो चिड़िया सब है वो उसको टोकर मार के उसको गिरा देती है। तो हम सोचते हैं कि हम ऊपर में यहाँ पर क्या तो जगह है, यहाँ पर शायद 4 तो आ जाएगा, 4 तो लगी जाएगा, 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, 6 है 4, और यहाँ पर कॉर्नर में एक और दे देंगे तो उसमें 5 आ जाता है, एक और दिन में वहाँ पर दे देंगे वहाँ वहाँ। ओके दोस्तों, आइए यो दोस्तों, यो ऑलमोस्ट जितना भी कनेक्शन था मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, पूरा कनेक्शन का कनेक्शन हो गया। अब हम स्विच देते हैं, देखते हैं कौन सा जल रहा है कौन सा नहीं जल रहा है, जो नहीं जल रहा है उसको हमको टेस्टिंग फिर से करना पड़ेगा, और जो जल रहा है तो वो तो अच्छी बात है,
भगवान करे यार एक साथ जल जाए, नहीं तो फिर से मुझे आपको चेन सीरीज वाइज को हमको उसको टेस्टिंग करने करते हुए जाना पड़ेगा कहाँ पर प्रॉब्लम है। और इससे पहले जिसको हम जलाए थे खाली उधर और पीछे का जल रहा था, बीच का नहीं जल रहा था, तो बीच का हमको देखना पड़ेगा किस नहीं जल रहा था। तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम फिर सबसे मिलते हैं। वाओ वाओ ब्यूटी, देखिए अपना घर दुल्हन की तरह लग रहा है कि नहीं, आप इसको कमेंट में जाके बताइएगा कैसा लग रहा है, मैंने इसको कैसे सजाया है। आपको हम साइड में जाके दिखाते हैं साइड में कैसे लग रहा है। अरे वाह मस्त लग रहा है यार, बहुत मस्त लग रहा है। ओह ऑसम भाई ऑसम, लगता है शादी वाली बारी है, शादी वाला घर है, शादी वादी होने वाली, पर अभी नहीं, मेरा नहीं है मेरा देरी है, पर आप खाली इंजॉय कीजिए कैसे मैंने किया है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अच्छा लगा तो शेयर और लाइक दोनों कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे नए वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो दोस्तों एडवांस हैप्पी दिवाली, दिवाली का एक और वीडियो शायद मैं बनाऊँ, ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों बाद में आपसे मिलते हैं, बाय बाय टाटा, जय हिंद वंदे मातरम।